क्या देख रही हो? कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है। डर? किस बात का डर? कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। कैसी बातें कर रही हो मेरी? तमाम रुकावटें दूर करने के बाद अब तो हमारे मिलन के दिन आए, फिर भी तुम ऐसी मायूसी की बातें कर रही हो। पता है नदीम, मगर पता नहीं क्यों एक अनजाना सा खौफ मेरे दिल में रहता है। पता है नदीम, मैंने कहीं पढ़ा था, मोहब्बत मिलने का नाम नहीं है, मिल के बिछड़ जाने का नाम है। जी जी अम्मी। तुमने अच्छा नहीं किया मेहरू, कामरान की फैमिली तुमसे मिलना चाह रही थी। वो तो यही समझेंगे ना कि मैं जानबूझ के तुम्हें उनके सामने नहीं बुला रही थी। खैर तुम तो यही चाहती थी ना मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊं। आखिर सास जो ठहरी तुम्हारी। नहीं अम्मी, भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? तो तुम्हें वहाँ आने में क्या तकलीफ थी? आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे शर्मिंदा करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिरी मुलाकात तो थी उनसे, कल तो तुम्हें उनके साथ जाना ही है। सुबह वो लोग आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए, सादगी से रुखसती होगी। खुदा के लिए अब कोई नया तमाशा ना खड़ा कर देना। एक साल से यही देखती आ रही हूँ। मम्मी आप बेफिक्र रहिए, मैं कुछ नहीं करूँगी, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तब भी आप ऐसे ही करती? यही करती जो कर रही है। देखो बेटा, अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि बेवा औरत ससुराल और मैके दोनों पे बोझ होती है। मुझसे पूछो मैंने किस तरह से बेवगी की जिंदगी गुजारी। नसीब अच्छे हैं कि तुम्हारा अच्छे घर में रिश्ता होने जा रहा है। और हाँ, इस रुखसती के बाद वापसी की कोई उम्मीद मत रखना मेहरू। अब तो मुझे उस दिन का इंतजार, जब तुम दुल्हन के रूप में मेरे सामने बैठी होंगी और मैं नहीं। कभी कभी मेरा दिल करता है कि तुम दुल्हन बनो ही नहीं सच्ची। हाँ हाँ भैया, और क्या। मेरा दिल करता है कि तुम इसी तरह सादगी से मेरे साथ रुखसत हो और मैं तुम्हें तैयार करूं, तुम्हें दुल्हन बनाऊं। काजल, बिंदिया, कंगन, झुमके, चूड़ियां, गजरे सब मैं तुम्हें बनाऊं, तुम्हें दुल्हन बनाऊं अपने हाथ से। बस मैं क्यों जलता रहूं भाई? तुम जलते हो किससे? सबसे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें दुल्हन के रूप में मेरे अलावा कोई भी नहीं। तुम बिल्कुल पागल हो। वो तो मैं हूँ, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम्हें दुल्हन के रूप में मेरे अलावा कोई और भी देखे। क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत हसीन लगोगी यार, यू आर सो ब्यूटीफुल। फिर तुम देर क्यों कर रहे हो? ऐसा ना हो मैं किसी और की दुल्हन बन जाऊं और तुम सारी जिंदगी चलते रहो। खैर ऐसा मैं होने तो नहीं दूंगा। क्यों? एक ही सूरत में हो सकता है। कैसे? कि जब मैं दुनिया में ना रहूं। आप रो क्यों रही हैं? ऐसे मुझे मेरी मम्मा याद आ गई थी। आपकी मामा कहाँ हैं? वो अलमिया के पास चले गए। मेरी मामा भी अलमिया के पास हैं, इसमें रोने वाली क्या बात है? आप भी अपने पापा से कहे ना वो नई मम्मा ले आए जैसे मेरे पापा लाए। आप मेरी मम्मा है ना? जी बेटा, नहीं आपकी मम्मा। ड्रेस तो बहुत प्यारा पहना है। ये तो हनिया बेटा, आंटी को तंग तो नहीं कर रही ना? ये मेरी आंटी नहीं है, ये मेरी मामा है। आई एम सॉरी। नहीं नहीं, बहुत प्यारी बच्ची है। हनिया, हनिया अरबाज नाम है इसका। चलो बेटा, आप सोने का टाइम हो गया। कम ऑन। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। मेहरू, मैं आज बहुत थका हुआ हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आराम कर लूँ। जी जी बिल्कुल। थैंक यू। I'm happy तुमने हनिया को एक्सेप्ट कर लिया। बहुत सोचता था मैं कि पता नहीं क्या होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बेटी है। यूँ समझ लो मैं तो डर ही गया था। डरने की कोई बात नहीं, और आपसे मेरा वादा है कि मैं हनिया को उसकी सगी माँ की तरह पालूंगी। ये तो तुम्हारी ग्रेटनेस है, वरना तुम्हारी उम्र की कोई भी लड़की होती ना तो कभी ना मानती जब उसे पता चलता कि मैं शादीशुदा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि आप नहीं जानते कि मेरे दिल में आपका क्या मकाम है। मैंने आपसे शादी करके, आपको एक्सेप्ट करके कोई एहसान नहीं किया आप पर, बल्कि आपने मुझसे शादी करके मुझे अपना नाम देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। वरना आजकल की दुनिया में कौन एक्सेप्ट करता है एक बेसहारा लड़की को जिसका कोई ना हो, माँ बाप भी ना हो और ऊपर से वो बेवा भी हो। क्या हुआ? क्या कहा तुम? क्या कहा मैंने? तुम बेवा? प्लीज आराम से चलाइए गाड़ी। अरबाज प्लीज। अरबाज प्लीज। ओह माय गॉड, प्लीज अरबाज आराम से चलाइए। अरबाज प्लीज प्लीज रिलैक्स हो जाए, एक्सीडेंट हो जाएगा। Get out। अरबाज आप मेरी बात तो सुनिए एक दफा। Get out। मगर अम्मी, आपने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? हमने कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं किया जो तुम इस तरह बिहेव करो। और ये बात तो हमने मेहरू को भी नहीं बताई थी। उस वक्त तो तुम कुछ नहीं बोले थे। शुक्र करो कि शादी वाली रात उसने कोई रिएक्शन नहीं किया। कोई और लड़की होती पता नहीं क्या हंगामा खड़ा कर देती। और बेटा, तुम इस बात को तो अच्छी तरह से जानती हो ना। अगर उसे पहले बता दिया होता तो वो कभी राजी नहीं होती। इनफैक्ट कोई भी लड़की राजी नहीं होती। तुम तो इस बात पर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र करो कि उसने हनिया को दिल से एक्सेप्ट कर लिया है। सारी बातें एक तरफ अम्मी, मैं मेहरू को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन एक बार हनिया के बारे में जरूर सोच लेना, फिर जो तुम्हारा दिल चाहे वो फैसला कर लेना। कितनी गिरे अब बाकी है। आपने इतना बड़ा फैसला करने से पहले मुझे अंधेरे में क्यों रखा? कम से कम अरबाज को तो मेरे और नदीम की शादी के बारे में बताना चाहिए था ना आपको। तुम्हें मैंने अरबाज के साथ माँ बन के रुखसत किया, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है? एहसास होता अम्मी आपको तो आप मेरी माँ बनकर दिखा दे। जहाँ सास बनना था वहाँ माँ बन गई। क्यों नहीं बताया आपने लोगों को कि मेरी शादी हो चुकी थी पहले? क्या तुमसे अरबाज शादी कर लेता? शुरू शुरू के दिन है, इसको एडजस्ट करने की कोशिश करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नदीम के बाद मैं एडजस्ट करने की कोशिश ही कर रही थी अम्मी। इतना बड़ा बोझ नहीं थी आप पर, दो वक्त की रोटी तो खा रही थी सिर्फ। देखो मेहरू, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था तुम्हारे लिए वापसी के दरवाजे बंद हैं। बेहतर होगा इन तमाम मामलात के साथ साथ तुम अपना घर भी संभालो। कब तक दूसरों के टुकड़ों पे पलती रहोगी? और हाँ, आइंदा इन छोटे छोटे मसलों के लिए यहाँ फोन नहीं करना। मैं नहीं चाहती कि तुम इस घर से जाने के बाद भी मेरे लिए मुश्किलात पैदा करो। मम्मी नहीं आ रही? नहीं, वो हानिया के साथ नाश्ता कर लिया था उन्होंने। I'm sorry. मेरी जगह कोई और भी होता तो यही रिएक्ट करता। मेरे ख्याल में तो इससे भी बुरा रिएक्ट करता शायद। I said I'm sorry. देखो, मेरे इस तरह मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे अगर कुछ पूछूं तो बस उसका जवाब दे दिया करो। ठीक, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। लव मैरिज थी। तो मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं देती? जी। क्या जी? जो आपने पूछा उसका जवाब दिया। लव मैरिज? कितना प्यार करता था तुमसे? किसी और जुबान में बात करूं तो समझ आएगी तुम्हें? हाँ, कितना प्यार करता था वो तुमसे? बहुत बहुत ज्यादा। नाम क्या था उसका? नदीम। तुम भी प्यार करती थी? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम भी प्यार करती थी कि नहीं? ताया तुम्हें लव मैरिज थी? शर्म तो नहीं आती तुम्हें अपने शौहर के सामने साबका आशे का जिक्र करते हुए? क्या हुआ है अम्मी? वो मैं इसने चाय में चीनी डाल दी। समझाया भी था कि मैं फीकी चाय पीता हूं। लेकिन मैंने तो खुद देखा कि चीनी तुम मिला रहे थे। अम्मी इसने पहले ही मीठी चाय बनाई थी और मुझे बताया तक नहीं। अरे जा कहाँ रहे हो, नाश्ता तो कर लो। कर लिया नाश्ता मैंने। तुमने नाश्ता कर लिया है? जी। वो मेहरू मुझे एक कप फीकी चाय का बना देना। चाय ऑलरेडी फीकी है अम्मी। क्या भाई? वो मैं डर गई। क्यों? पहले नहीं डरती थी वो। उस दिन आपको एकदम से ऐसा बदला हुआ देखकर मैं देखो मेरू, मैं बदला नहीं था और ना ही बदलूंगा। उस दिन इतनी सारी बातें एकदम ऐसे पता चली तो आई स्वेयर मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था। आई एम सॉरी। अब तुम अपने दिल से सारा डर निकाल दो। तो मैं आपके लिए गिफ्ट लाई थी। ये क्या है? खुद ही देख ले। पता है पेन है बट व्हाई? ऐसे ही बस। वो हानिया को जब स्कूल से लेने गई तो आपके लिए ले लिया। प्यारा है। थैंक यू। दो साल पहले चोट लगी थी। लगी थी या लगाई गई थी? हुँ? नहीं ट्रस्ट में लगी थी। कितना ट्रस्ट करूं तुम पर? आवाज आ रही है तुम्हें? हाँ मैं पूछ रहा हूँ, चोट लगी थी या लगाई गई थी? छोड़े ना। फिर देख के बोलो, लगी थी या लगाई गई थी? हाँ? मैं वो हाँ? लगाई थी। क्यों? क्योंकि मैं नदीम के बगैर नहीं रह सकती थी। और बहुत बकवास हो गई ना, बाहर निकल जाओ कमरे से, बाहर फौरन। गेट आउट। क्यों क्यों कर रहे हैं आप ये सब मेरे साथ? मैंने कहा निकलो कमरे से बाहर। मगर मैं जाऊंगी कहाँ? शुक्र करो कि मैं तुम्हें कमरे से निकालूं, घर से नहीं। दफा हो जाओ, बहुत हो गया, दफा हो जाओ। ये क्या मैंने? तुम क्यों खुद को मारने की कोशिश कर रही हो? मैंने कहा ना, मैं मना लूंगा अम्मी को। कोई नहीं मानेगा ना तुम्हारी अम्मी और ना मेरी अम्मी। कोई हमें मिलने नहीं देगा। मिलने नहीं देगा? कोई ऐसा कर नहीं सकता। और वैसे भी हमारे घर वाले माने या ना माने, शादी मैं तुमसे ही करूँगा। मेहरू, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, तुम्हें नहीं। हालांकि तुम्हें पता है अम्मी ने मेरा रिश्ता भी तय कर दिया। तय हुआ? तुम्हें भेजा तो नहीं अभी? मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के लिए एक एक सेकंड प्लान कर रहा हूँ और तुम मरने जा रही हो। प्लीज, अगर मुझ पे थोड़ा ट्रस्ट है तो मेरा साथ तो दो ना। मैं हर हाल में तुम्हें ले जाऊंगा। नदीम, आखिर कब? इस जख्म के भरने से पहले। प्रॉमिस? पक्का। तुम मुझे जख्म भरने से पहले ही छोड़ दे नदी। इतना बड़ा जख्म दे गए जो कभी नहीं भरेगा। झूठे निकले तुम, बहुत ही झूठे निकले तुम। अरे अम्मी आइए ना, आए बैठे। तुम भी बैठो। मैं तुम्हारी तकलीफ देख रही हूँ मेहरू। शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन देखना बाद में सब ठीक हो जाएगा। अरबाज गुस्से का थोड़ा तेज है, उसे ये बात हजम नहीं हो रही कि हमने उसे तुम्हारी पहली शादी के बारे में क्यों नहीं बताया। मैंने आज सुबह उसे बहुत डांटा है, समझाया है उसे, और वो भी शर्मिंदा है अपनी हरकत पर कि उसे इस तरह। मैं जानती हूँ मेहरू कि उसकी बातों से तुम्हें तकलीफ होती है। नहीं, तकलीफ और अज़ियत में बहुत फर्क होता है, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। मैंने उसे समझाया है और तुम मेरा यकीन करो, आज के बाद तुम उसमें तब्दीली महसूस करोगी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मामा, आप तो अभी तक तैयार नहीं हुई। क्यों बेटा? आज संडे है, हमें पिकनिक पे जाना है। पिकनिक पे जा रहे हैं? पापा भी आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करें ना मम्मा। अरबाज मेरा इंतजार कर रहे हैं? मैंने उसके कान खींचे और वो नालायक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ। और सुनो, जल्दी घर वापस आने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से घूम फिर कर आना, खूब एंजॉय करना। मुझे तैयार कर लेना मम्मा, मुझे बहुत क्यूट लग। आप ऑलरेडी बहुत क्यूट हो मेरी जान। आज तो मैं आपकी तरह लिपस्टिक लगाऊंगी। क्यों? पापा ने पता आपको क्या कहा है? क्या कहा है? कि रेड कलर की लिपस्टिक लगाएं क्योंकि वो उनकी फेवरेट है। अच्छा, लेकिन बच्चे रेड लिपस्टिक नहीं लगाते और तुम बिल्कुल नहीं लगाओगी। ओके चलो, अच्छा सा तैयार होंगे। कौन से कपड़े पहनने? कितनी गिरे अब बाकी। ये ले भाई, गाड़ी का टायर चेंज कर देना और अंदर पार्क कर देना। आ जाओ। पापा इतनी नो प्रॉब्लम। हाँ, और मैं भी कहना चाहती थी कि थैंक यू, इतनी अच्छी पिकनिक कराई। हाँ भाई, हो जाए। चलो 1 2 3। अरे ओ। और तुम भी करेंगे ना? मुझे देखा तो सही। एक मिनट Stop it! रुक जाओ। नदीम नहीं करो। नदीम stop it! मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हैं और ना ही आपने मुझे कबूल किया है। तुम भूली नहीं हो अभी तक उसको। हाँ, कैसे भूल सकती हूँ? तो मेरी जिंदगी में आने का इनविटेशन तुम्हें किसने दिया था फिर? बदकिस्मती ना। इसे मैं तुम्हारी बदकिस्मती कहूँ या अपनी? तुम्हें नहीं लगता मुझे कितनी तकलीफ होती होगी ये जानते हुए, बल्कि ये मानते हुए कि मेरी बीवी किसी और को चाहती है। हाँ, चाहती थी, प्यार भी करती थी, लेकिन अब वो आदमी मर चुका है, इस दुनिया में नहीं। तो अपनी यादों में क्यों नहीं मार देती उसको? क्यों जिंदा रखा हुआ? मर चुका था वो जिस दिन मेरा आपसे निकाह हुआ था, लेकिन आपने उसे जिंदा किया, दोबारा जिंदा किया, मुझे मजबूर किया कि मैं उसे याद करूं, उसके साथ बिताए हुए कल को अपने आज में याद करूं, वरना मैं तो उसे कब का भूल चुकी थी। इस बात के लिए भी तुम मुझे कसूरवार ठहराओ? बहुत अच्छे भाई। देखिए अरबाज, मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय आपके, इस घर के और हानिया के। और मैं इस घर से जाऊंगी भी तो जाऊं कहां? मेरी दुनिया इसी घर से शुरू होती है और इसी की दहलीज पे खत्म हो जाती है। प्लीज अरबाज, मुझसे मेरी दुनिया मत छीनी। खुदा के लिए अरबाज, मुझे इस दुनिया में रहने का हक दे दीजिए। मेरे लिए इससे बड़ी मजबूरी और क्या होगी कि मैं जोर से रो भी नहीं सकती, घुट घुट के जीती हूं मैं। प्लीज अरबाज, रहने दीजिए मुझे। इस मौजू पे कल बात करेंगे हम अरबाज, लेकिन मुझे तो आज। मैंने कहा ना कि मैं इस मौजू पे कुछ सुनना भी नहीं चाहता आज, कल बात होगी। मैंने कहा ना तुमसे कल बात करेंगे, समझ नहीं आती तुम्हें? हाँ अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? बेटे मुझे बताएं, क्यों रो रही हैं? क्या हुआ है? बताएं ना, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है? अरबाज, मत रुलाओ उसे, बहुत मजबूर है वो, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अम्मी, आपने मेहरू के साथ साथ मुझे भी मुश्किल में डाल दिया। तुम्हें उसकी कुर्बानी नजर नहीं आ रही? उसके आने के बाद हनिया अपनी सगी माँ को भूल गई है और मेहरू ने भी हनिया को दिल से कबूल किया। तुम्हें ये सब कुछ क्यों नहीं नजर आ रहा? क्या हो गया है तुम्हें? मैंने भी तो कबूल किया उसको। तुमने नहीं, उसने तुम्हें कबूल किया है, बल्कि उसने हम सबको कबूल किया है। जान, अच्छा इट्स ओके, आपको है ना शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, आई प्रॉमिस। और जिस दिन उसके सबर का पैमाना लबरेज हो गया, वो खुद तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। इतना बुरा नसीब क्यों लिखा? क्यों ये सब कुछ चिंता जा रहा है मुझसे? क्यों क्यों? मेरू, मेरू, किधर रख दिया? मेरू, तुम क्या कहा तुमने भी? हाँ तुम क्या कर रहे हो ये? तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म क्यों आए मुझे शर्म? क्योंकि मैं एक औरत हूँ और तुम मर्द हो। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। ये बताओ कि कब आएगी तुम्हें शर्म? तुम मुझसे बात किस तरह कर रही हो? हाँ, जिस तरह मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। तुम्हारे माजी को अपने ममता के साय तले लिए घूमती हूँ मैं, और तुम मेरे मरे हुए माजी को बर्दाश्त नहीं कर सके। मामा, आप कहाँ जा रही हैं? बेटा, मामा जा रही हैं हमेशा के लिए अलिया मियां के पास। हाँ, अलिया मियां के पास। मामा, आप कहाँ जा रही हैं? बेटा, मामा जा रही हैं हमेशा के लिए अलिया मियां के पास। हाँ, अलिया मियां के पास। मेरी हर मम्मा को अलिया मियां अपने पास बुला लेते हैं। इससे अच्छा है मैं भी आपके साथ अलिया मियां के पास चलूं। नहीं बेटा, आपकी दादी को और आपके बाबा को आपकी जरूरत है, आप यहीं रहें। मुझे नहीं रहना पापा के साथ, मैं मामा के साथ रहूंगी। हनिया, इधर आओ। तुम कहीं नहीं जाओगी? नहीं पापा, मैं मम्मा के साथ जाऊंगी। रुक जाओ अरबाज, जाने दो उसे। क्या मतलब मम्मी जाने दो? कहाँ जाएंगे ये लोग? इनके पास रहने की कोई जगह है? कहाँ रहेगी मेरी हनिया? सुना नहीं तुमने उसने क्या कहा था? वो अल्लाह मियां के पास जा रही है। प्लीज अम्मी, बहुत अफसोस होता है मुझे तुम्हारी जहनियत पर। तुम खुद को अनसिक्योर फील कर रहे हो कैसे शख्स से जो इस दुनिया में ही नहीं रहा। प्लीज, इस वक्त में तो तुम्हें मेहरू का साथ देना चाहिए, उससे हमदर्दी करना चाहिए, उसका दुख शेयर करना चाहिए, लेकिन तुम उससे जलस हो रहे हो। बेटा, हर बात जाओ, रोक सकते हो तो जाके रोक लो मेहरू को। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी हनिया भी मेहरू बन जाए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाओ रोक लो प्लीज। हनिया, हनिया, मेहरू, नहीं बेटा, मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाओ। या फिर मुझे भी अपने साथ ही ले चलो अल्लाह मियां के पास।